ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ डेटा दिया गया है जिसमें ऑर्डर आईडी लिखे हुए हैं, कुछ डेट्स लिखी हुई है। ठीक है, डेट्स को हम प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं। ठीक है, और डेट के साथ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। सही, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, फिर वो प्रोडक्ट एक बार भी सेल हुआ है, कई बार भी सेल हो सका है। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ देखेंगे कैटेगरी लिखी हुई आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी से, ये प्रोडक्ट एक्सेसरी से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पर बेचने वाले कुछ सेल्स पर्सन के नाम है, एलाइस बॉब, एलाइस चार्ली। तो प्रोडक्ट जो है, कई प्रोडक्ट एलाइस ने बेचे हैं, कई प्रोडक्ट चार्ली ने बेचे हैं, कई प्रोडक्ट जो है इसे बॉब ने बेचे हैं। अब इसकी जो कैटेगरीज आ रही है यहाँ पे देख लें कि क्वांटिटी की जो कैटेगरीज आ रही है उसमें हमारे पास जो डेटा है क्वांटिटी में है, किसी ने 2 पीस बेचे, किसी ने 5, किसी ने 3 पीस, और यहाँ पर उसका अमाउंट आ रहा है। ये तो है डेटा। अब इसका आपने करना क्या है, एक रिपोर्ट बनानी है। उसमें ये आपको दिए गए हैं क्या कहते हैं क्वेश्चंस, कि आपने इसको आंसर कैसे यहाँ पे लेना है। सबसे पहला जो है काउंट ऑर्डर बाय एलाइस। अब यहाँ पर आपने काउंट इफ का फंक्शन लगाना है, यानी कि रिजल्ट वाली जगह पे, ये ऑटो कैलकुलेट जहाँ लिखा हुआ है ये वाला कॉलम आपने नहीं बनाना, जरूरत नहीं है, रिजल्ट वाली जगह पे। तो जैसे आईलेस ने कितने ऑर्डर जो है किए हैं, तो अभी अगर देखिए इसे आंसर दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 एंड यहाँ पर आ रहा है 6। तो काउंट ऑर्डर बाय एलेस, तो देखो इसने 6 किया, तो ये आंसर 3 गलत आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर के 6 तो यहाँ पे इसने किए हैं और 2 यहाँ पे किए हैं। तो आपने काउंट इफ का फंक्शन लगाना है, ठीक है, इस जगह पर रिजल्ट वाली जगह पे यहाँ पे, और आपने कैलकुलेट कराना है कि एलेस ने कितने ऑर्डर किए हैं, यानी कि आगे भी जब हम डेटा डालते जाएं और एलएस का नाम अगर ऑर्डर की क्वांटिटी आए तो यहाँ क्वांटिटी को कैलकुलेट करके लिखता चला जाए। ठीक है, दूसरा आ रहा है काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेटर कैटेगरी ऑर्डर। अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में कितने आइटम बिलोंग करते हैं, मतलब अब यहाँ पे देखें कि भाई जो सेल हुई है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक में 2 आइटम ये बिके हैं, इलेक्ट्रॉनिक में 1 आइटम ये बिका है, इलेक्ट्रॉनिक में 2 ये बिके हैं, इलेक्ट्रॉनिक में 1 ये बिका है, इलेक्ट्रॉनिक में 1, इन सब का सम करके प्लस करके इनका यहाँ पे दे दे, काउंट द इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ऑर्डर, कितने ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी बिके। तीसरा इसमें क्या है, काउंट ऑर्डर विथ क्वांटिटी ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी के लिए लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 2 ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, चेक करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने ऑर्डर हैं जो 200 से ऊपर, जिनका जो 2 से ज्यादा सेल हुए हैं, मतलब काउंट ऑर्डर विथ क्वांटिटी ग्रेटर देन 2, ऐसे कितने आइटम हैं जिन जो सेल तो हुए हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा है। तो देखिए ये आइटम 2 ही बिके, नहीं ये 5 बिके, 2 से ज्यादा है, ये भी 2 से ज्यादा है, ये भी 2 से ज्यादा है। तो इस तरह 3 आइटम है जो 2 से ज्यादा क्वांटिटी में सेल हुए हैं, तो उनका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। जैसा काउंट ऑर्डर विद अमाउंट 500 ग्रेटर देन 500, ऐसे कितने आइटम है जिनका अमाउंट 500 से ऊपर है वो सेल हुआ है। तो देखिए 500 से ऊपर वाले आइटम कितने सेल हो रहे हैं, ये 500 से ऊपर 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 3। तो ये काउंट इफ के जरिए आपने यहाँ पे आंसर लेना है, बेसिकली ना आपने आंसर यहाँ लेना है। मैं बताता जा रहा हूँ एग्जांपल में मैंने लिखा, इस कॉलम को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, काउंट ऑर्डर ऑन 2024/11/3। अब यहाँ पे डेट लिखी हुई है 1/11/2/11/3/11, तो कह रहा है कि भाई काउंट करो कि 3/11 को, ये उल्टा लिखा है इसने डेट 3/11/2024 को, मतलब 3/11/2024 को कितने ऑर्डर हुए। तो 3/11/2024 पे 1 2 2 2 ऑर्डर हुए हैं, और 2 ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो बनेगी कितनी जाके यहाँ पे, टोटल 3 3 यहाँ पर आना चाहिए। यानी कि अगर हम काउंट करेंगे 2 ऑर्डर हुए हैं तो फिर इनकी 2 ही सेल्स आपने यहाँ पे काउंट करनी है, और अगर उनकी क्वांटिटी काउंट करनी है, लेकिन ये हमें कह रहा है काउंट करो ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 हुए 3 तारीख को, ये आपने काउंट इफ फंक्शन से यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो समझे आपको काउंट इफ का फंक्शन सही तरीके से समझ में। शुक्रिया, कल क्लास से पहले पहले इसको सबमिट करना है बना के, और क्लास में अपने लैपटॉप पे चेक भी करवाना है।